हेलो दोस्तों, कैसे हो? हाल चाल सब ठीक ठाक? मेरा भी सब ठीक ठाक। आज का इंट्रो वॉइस ओवर के थ्रू, क्योंकि इस राइड के कुछ पार्ट की स्टोरी वॉइस ओवर के थ्रू बताऊंगा, ताकि वीडियो को प्रिसाइज रख सकूं और स्टोरी में कुछ मिस भी ना हो। स्टोरी शेयर करने का ये नया वे ट्राई कर रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर दबाइएगा, नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन वो भी दबा दीजिएगा, साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स एंड सजेशंस भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे वेस्टर्न उड़ीसा राइड के 4 दिन की स्टोरी। डे वन 23 अगस्त 2019 को सुबह 6 बजे मैं और सैमुअल सर निकले हमारे फर्स्ट डे के डेस्टिनेशन संबलपुर के लिए। आगे जाके हमारा पहला स्टॉप हुआ फॉर ब्रेकफास्ट। हमने खाया गर्मा गर्म बड़ा और घुगनी और फिर निकल गए आगे। थोड़ा ही आगे जाने के बाद हमको मिल गया घंघोर घना बारिश, तो हमने बाइक को लगाया साइड में, रेन गियर पहना, कैमरा बंद करके बढ़ गए आगे। दोपहर 2:30 बजे तक हम पहुंचे संबलपुर, जहां हमको मिला आलोक। होटल ऑलरेडी बुक था, साथ में किया लंच। डे वन ओवर। डे टू आगे की राइड के लिए हमको ज्वाइन किया आलोक ने और हम तीन बढ़ गए टुवर्ड्स पाइकमाल। पाइकमाल में हमको ज्वाइन किया हमारे फोर्थ राइडर विभोर ने और उसके फ्रेंड अर्णेंदु ने, जो हमारा फिफ्थ राइडर हुआ। फिर हम 5 राइड करके पहुंच गए अपने साइट सीइंग लोकेशन नरसिंहनाथ वाटरफॉल, जिसको कपिलधार वाटरफॉल भी बोलते हैं। जाओ जाओ नहा के आओ, हम नहीं जा रहे, सामान की रखवाली हम करेंगे। ये पूरा इलाका बंदरों से भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग खाने का लाए हैं, बंदर उसके पीछे पूरे पड़ गए। बंदरों ने इंसानों को घेर लिया है खाने के लिए। वो वहाँ पे एक बंदर बैठा हुआ दिख रहा है आपको। खाने का पैकेट हमारा लेके चला गया है, वो देखिए हमारा खाने का पैकेट उठा के चला गया, अब बैठ के मज़े से खा रहा है। तुम्हारी ज़िंदगी है भाई। तो ये पूरा ऑफ रोड रास्ता है झरना तक। तो जैसे ही हम यहाँ तक आए हैं, एकदम रिकॉर्ड नहीं किया मैंने रास्ता, क्योंकि हमको रास्ता पता नहीं था और कुछ भी हो सकता है। अब नीचे जाते हुए हम रिकॉर्ड करेंगे। ये एडवेंचर है, देखिए ये है ऑफ रोड। ये आपको करना पड़ेगा जो लोकेशन आपने देखा उसके लिए, समझे? ये ऑफ रोडिंग करने के बाद हम गए फॉर लंच, क्योंकि समय ऑलमोस्ट 3 बज गया था दोपहर का। अब खाने के लिए विभोर मंगाए हैं बिरयानी, हम मंगाए हैं नॉर्मल सादा राइस और चिकन, और मेरा तो हो गया। मैं आलोक अब अपना तैयार है। सैनू सर तुम लग गए, लोग जो है दुनिया का सब सब चीज़ खाने के लिए तैयार। ना ना खाली नॉर्मल भी खाला ना, वेज बिरयानी खाई ले, घोड़ा बिरयानी। ये रेस्टोरेंट आए हैं हम लोग। लंच के बाद हम बढ़ गए अपने डे टू के फाइनल डेस्टिनेशन नुआपाड़ा के लिए। आगे जाते ही आ गई तेज बारिश, तो
तो कैमरा बंद करके आगे बढ़ गए। जंगल के थ्रू रास्ता था तो बस इस एक नजारा के लिए लिया स्टॉप। नजारा, लेक, पहाड़, बट बादल है तो बारिश होगी। बादल है, हम रेनकोट पहने हुए हैं। चलिए निकलते हैं। अभी 600 किलोमीटर की राइड कंप्लीट हो गई है। डे टू इस होटल में हम लोग चेक इन कर रहे हैं, तो अब डे टू ख़त्म। डे थ्री शुरू करने जा रहे हैं। पहले नाश्ता करने जा रहे हैं पीछे वाले होटल में। नाश्ता में किया हमने गर्मा गर्म पराठा और सब्जी, और फिर हम निकल गए हमारे थर्ड डे के साइट सीइंग लोकेशन बेनियादूस वाटरफॉल के लिए, जो सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पड़ता है। हम लोग सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर कर चुके हैं। सामने पहाड़ों पे क्लाउड्स है, जो आपने साइंस में पढ़ा है कि जंगलों से क्लाउड्स बनता है, ये आप देख रहे हो कि जंगल में क्लाउड बनता है। यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर का रास्ता आप जैसा देख रहे हैं, सारा ऑफ रोडिंग ही है। और काफी स्टीप क्लाइम्स भी है कई जगह जो आप अभी देख रहे हैं। तो स्लो स्पीड में हम आगे बढ़ते गए। चारों ओर से हमको क्लाउड्स ने घेरा हुआ था। ऑफ रोडिंग करते हुए हम आगे बढ़ ही रहे थे कि रास्ते में मिला हमको ये कैंप। हमारे CRPF कैंप है यहाँ पे, और लंगर चल रहा है आज, जन्माष्टमी का लंगर चल रहा है। और जहाँ हमने सोचा था कि हम जंगल जाएंगे और हमको कुछ खाना नहीं मिलने वाला है, वहाँ भर पेट गर्मा गर्म खाना मिलेगा। ये आ गया पूरी सब्जी और भी थोड़ा सब्जी, खीर भी आ गया, राइस भी आ गया, और ये फाइनल चीज दाल भी आ गया। पेट भर लंगर खाने के बाद हम 5 बढ़ गए आगे ऑफ रोडिंग के लिए, जिसमें ये देखिए आप जैसा देख सकते हैं सैंपल वाटर क्रॉसिंग भी था कहीं कहीं। और ये देखिए, और ये देखिए, ये क्या मस्त ऑफ रोडिंग कर रहे हैं हम जंगल के बीचों बीच। और ऐसे ही ऑफ रोडिंग करते करते हम पहुंच गए अपना डेस्टिनेशन। तो जो आपने देखा ऑफ रोड, वो करने का फल क्या मिलेगा, चलिए आपको हम उसका फल भी दिखाते हैं। ओ देखिए, क्या है ये? बेनुआ ढूस वाटरफॉल। ये हमारा ग्रैंड कैनियन के साथ नाइग्रा, स्मॉल नाइग्रा वाटरफॉल हम बोल सकते हैं इसको। लोगों ने रास्ता ढूंढा और वो वहाँ चले गए। वो देखिए, वो वहाँ चले गए, हम भी चलिए चलते हैं। देखो एंजॉय कर रहे हैं। हम तो उतना दूर गए थे, वहाँ से फोटो खींच रहे थे, लेकिन यहाँ आएंगे हम तो नहीं सोच रहे थे, लेकिन अब आने का रास्ता मिल गया और मज़ा और भी लगेगा। चलो अब भुवनेश्वर से ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर राइड करके हम
आए यही नज़ारा के लिए। तो चलिए थोड़ा उधर दूर तक एक्सप्लोर करके आते हैं। अब इतना दूर आए हैं तो सब तरफ देख लेते हैं। यहाँ पानी इतना शांत है और उधर जाते ही हंगामा। पत्थर के थ्रू पानी आता है। तो हो गया एक्सप्लोरेशन, अब चलो फिर से ऑफ रोड करने। ठीक है, ऑफ रोड करके अब कहीं रुकेंगे, वहाँ बात करेंगे। सवेरे जब हम इस रोड पे गए थे पूरा क्लाउड्स था जो आपने देखा, बट क्लाउड से जो नज़ारा हमसे छुप गया था वो देखिए। यहाँ बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज हैं, बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज हैं, एंड यहाँ से पूरा शहर दिखाई दे रहा है, रोड दिख रहा है। थिंग्स वी हैव टू डू फॉर दिस टाइप ऑफ व्यू, क्या करना पड़ता है, ऑफ रोडिंग। चलिए अब यहाँ से हम जा रहे हैं संबलपुर। आज की राइड से संबलपुर में खत्म हो जाएगी। हम संबलपुर पहुंच नहीं पाए और डे 3 का एंड बाड़गढ़ में ही करना पड़ा। डे 4 हमने स्टार्ट किया बाड़गढ़ से, संबलपुर में आलोक को कहा टाटा बाय बाय, और फिर मैं और सैमुअल सर बढ़ गए टुवर्ड्स भुवनेश्वर। रास्ते में एक दो नजारा के लिए स्टॉप लिया और ऐसे ही 1200 किलोमीटर की राइड करके मैं पहुंच गया हूं सही सलामत घर। बॉडी है फुली ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी, लेकिन माइंड एक्सपीरियंस से भरा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है वो दबा दीजिए, घंटा दबा दीजिए, और मेरे अगले वीडियो को देखने मत भूलिए। अब अगले वीडियो तक के लिए जैसे जबास ब्लॉगिंग आउट, बाय बाय, हास्ता ला विस्ता, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आना मत भूलिएगा, बाय बाय।